नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान है, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद ये आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं स्टॉक ऑप्शन के ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो अगर आप ऑप्शन में काम करते हो, स्पेशली अगर आप स्टॉक ऑप्शन में काम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफी सारा नॉलेज आपको इसमें मिलने वाला है। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप फेक कॉल से बच सकते हैं, एंड एंट्री लेने का साथ साथ आपको एग्जिट कहाँ पर करना है। देखिए, हम लोग एंट्री तो ले लेते हैं बट सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। बहुत टाइम क्या होता है, हम लोग बहुत जल्दी निकल जाते हैं और उसका बाद देखते हैं मार्केट में लंबा रैली देखे गया। कभी कभार ऐसा भी होता है जो हम लोग मतलब थोड़ा सा ज्यादा वेट करने का चक्कर में हाथ में जो भी पैसा आ रहा था वो भी हाथ से निकल जाता है। तो एंट्री इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जिट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं सारा चीज को एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप, तो अंत तक जरूर देखना, काफी सारा नॉलेज आपको इसमें मिलने वाला है। तो आज को मैं BPCL का 355 का कॉल का एक चार्ट लगाया हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे कॉल कैसे बनता है। देखिए, मार्केट जैसे चलेगा टिक बाय टिक अपडेट होते रहेगा, मैं एक बार रिप्लाई करके इसको समझाने जा रहा हूँ। तो आपको कोई सिग्नल के लिए वेट करना है, जब भी कोई सिग्नल बनेगा आपका स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली पॉपअप आ जाएगा। अगर आप पॉपअप अलर्ट को ऑन करके रखेंगे, पॉपअप अलर्ट आप चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करके पैरामीटर में जाके यहां से ऑन कर सकते हैं। कहीं पर भी कॉल बनेगा आपका स्क्रीन के ऊपर इस टाइप का मैसेज आ जाएगा जो गेट रेडी टू बाय BPCL एट द रेट इन दैट वैल्यू। तो 5.8 में यहाँ पर आपको बाय का कॉल दिख रहा है। तो ये हम लोग का फर्स्ट एडवांटेज है जो हम लोग को कॉल ढूंढना नहीं पड़ता है। हम लोग कहीं पर भी काम करें, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कॉमोडिटी में क्रूड ऑयल हो, कहीं पर भी कॉल बनेगा ये आपका स्क्रीन के ऊपर ऐसे ही मैसेज दे देगा। अब मैसेज मिल जाने के बाद आपको चार्ट को खोलना है। जैसे मुझे मैसेज मिला है, सपोज BPCL में कॉल मिला है, तो हम लोग BPCL का चार्ट को खोले। अब खोलने के बाद यहाँ पर कुछ कंडीशन देखना पड़ेगा जो ये कॉल कितना सही है। देखिए, कॉल तो बहुत सारा बनता है, कुछ कॉल ही अचीव होता है, ऐसा बहुत सारा कॉल होता है जो अचीव नहीं हो पाता है। तो कॉल आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, एंट्री लेने का पहले एक ट्रेडर को क्या क्या चीज देखना चाहिए, तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। एक होता है बाइंग का टाइम, नीचे का जो रिबन है उसका कलर को ग्रीन होना चाहिए, तो ये आपका फर्स्ट इंडिकेशन है, ये आपको बता रहा है जो यहाँ पर बायर स्ट्रांग है। सेकंड कंडीशन, बाय का कॉल का पहले स्टार बनेगा, तो उसका पहले जो ब्लू कैंडल है उसका नीचे देखिए ग्रीन कलर का स्टार दिख रहा है, तो ये आपका सेकंड कंडीशन है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है ब्रिक्स, नीचे में जो कैंडल टाइप का पैटर्न आपको दिख रहा है इसे हम लोग ब्रिक्स कहते हैं, तो इसका कलर ग्रीन होगा और ये ब्राउन कलर का लाइन का ऊपर रहेगा। अगर ये तीन कंडीशन मैच होता है तभी जाके कॉल को हम लोग स्ट्रांग कॉल बोलेंगे, अदरवाइज नॉट। और जब भी कोई बाय का पोजीशन पे आप एंट्री लेने जाएंगे, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊपर में ग्रीन डॉटेड लाइन दिख रहा है दिस इज द रेजिस्टेंस लाइन। रेजिस्टेंस जितना ऊपर रहेगा उतना ही बेटर है। अगर आप बाय कर रहे हैं, आपका सारा कंडीशन मैच है बट रेजिस्टेंस डिस्टेंस में नहीं है या रेजिस्टेंस लाइन का करीब बाय का कॉल बन गया है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए। तो बहुत ही बेसिक चीज है, जो जब भी कोई सिग्नल बना आपके पास अलर्ट आ गया, तीन पैरामीटर को जस्ट चेक किए, तीन पैरामीटर आपको कंफर्म कर रहे हैं आपका कॉल कितना सही है, और ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है ये आपको बता रहा है जो मार्केट में रेंज है या नहीं। तो ये दो तीन चीज देखने के बाद ही आप ट्रेड कीजिएगा। देखिए, देखते देखते विद इन 3 to 4 कैंडल आपको यहाँ पर अपना प्रॉफिट मिल गया है। रेजिस्टेंस एक लेवल होता है जहां पर आपको अंदाजा दे रहा है जो इतना दूर तक मार्केट जा सकता है। अब अगर रेजिस्टेंस को तोड़ा मार्केट तो इससे भी ऊपर मार्केट जा सकता है, उसे हम लोग ब्रेकआउट कहते हैं। अगर हम लोग देखेंगे, देखिए ऊपर में एकदम ब्रेकआउट जोन बोल के दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो ये आपका मैक्सिमम लेवल होता है जो अगर मार्केट किसी दिन रैपिडली मूवमेंट किया तो इतना तो ऊपर तक जा सकता है, बट रेजिस्टेंस तक आप अपना मिनिमम एक टारगेट रख सकते हैं। तो देखिए, विद इन 3 to 4 कैंडल ये आपको अपना प्रॉफिट देके निकल गया। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, सिग्नल आया, नोटिफिकेशन देके, कंडीशन को मैच किए, अगर कंडीशन मैच है तो ही ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। देखिए, धीरे धीरे रेजिस्टेंस को टच करने के बाद मार्केट में थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट दिखाई दिया और मार्केट उसी जगह पे घूमना शुरू कर दिया। तो ये रेजिस्टेंस एक फाउंडेशन होता है जहां पर मार्केट जाने का बाद, उसके बाद मार्केट में जनरली मूवमेंट बहुत कम बारी देखा जाता है। अब उसका साथ साथ ये जो दोनों लाइन क्रॉसओवर हो रहा है, ये संकेत आपको इसे कराने के लिए, ये जो दोनों लाइन आपको क्रॉसओवर दिख रहा है इसका मतलब है यहाँ पर पोजिशन उतना खास अब नहीं जाने वाला है, नीचे का तरफ मार्केट मूव हो सकता है। तो देखिए, धीरे धीरे मार्केट क्या हुआ, नीचे आ गया। आप मैक्सिमम अगर फाइनली वेट करना चाहते हैं तो ब्रिक्स को देखते हुए आप इस कैंडल तक वेट कर सकते हैं, मतलब इस कैंडल पे जहां पर आपको ब्रिक्स दिखाई दे रहा है जो ब्राउन कलर का लाइन का नीचे आ गया, इसका मतलब है यहां पर आपका पोजीशन खत्म हो चुका है और इसका बाद आप वेट नहीं कर सकते। तो देखिए, एग्जिट करने के लिए बहुत सारा कंसेप्ट हम लोग बनाए हैं। पहला बात तो आप रेजिस्टेंस को देखते हुए अपना टारगेट बुक कर लीजिए,
ये दोनों लाइन का क्रॉसओवर को देख सकते हैं या फाइनली ब्रिज को देखते हुए भी आप अपना पोजीशन को छोड़ सकते हैं। देखिए इसके बाद आपका सामने एक ब्लू कलर का कैंडल बना है। ब्लू कैंडल का मतलब ही है, ये आपको बता रहा है यहाँ पर कोई ट्रेंड रिवर्सल कैंडल हो रहा है जो आपका ट्रेंड को रिवर्सल करेगा और नया कॉल दे देगा। तो ये एक प्रिपरेशन टाइम भी बोल सकते हैं। जो ब्लू कैंडल आने का मतलब ही आप प्रिपेयर हो जाइए जो आपको कोई सेल का कॉल मिलने वाला है। देखिए ब्लू कैंडल जैसे खत्म हुआ नेक्स्ट कैंडल पे कॉल दे दिया और उस टाइम भी आपको पास ऐसे नोटिफिकेशन आएगा। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी जो सेल का कॉल बना है यहाँ पर वही सेम कंडीशन आपको देखना है। नीचे का रिबन का कलर रेड हो गया, ब्रिक्स का कलर रेड है, ब्राउन का नीचे है और कैंडल खत्म होते होते आपको स्टार मिल गया। तो ये तीन कंडीशन आपको बता रहे हैं जो ये सेल का कॉल में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। देखिए कंडीशन का हिसाब से ये कॉल सही है एंड आपको इस कॉल में भी अटेम्प्ट लेना है। मैं मेरा वीडियो में एक ही चीज बार बार बोलता हूँ, अगर कंडीशन आपका फिलअप है तो आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए क्योंकि किसी को भी पता नहीं है कौन सा कॉल अचीव होगा और कौन सा कॉल अचीव नहीं होगा। स्टॉप लॉस क्या रखिएगा, ये जो ब्लू कैंडल आपको दिख रहा है ये ब्लू कैंडल का हाई के ऊपर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अगर बाय चांस मार्केट रिवर्स हो गया तो आपको छोटा स्टॉप लॉस लेके यहाँ से निकल जाएगा। देखिए देखते देखते आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन स्टार भी आना शुरू कर दिया, तो ये एक संकेत है जो ये सेल का कॉल अभी चलने वाला नहीं है। ग्रीन स्टार बन गया, नीचे का जो ब्रिक्स है वो भी ब्लू में इंडिकेट कर रहा है, तो ये एक संकेत है जो अगर मार्केट रिवर्स हो रहा है तो एक मिनिमम वैल्यू में सॉफ्टवेयर आपको निकाल देगा। देखिए 100% हमेशा प्रॉफिट होता है ऐसा कोई स्ट्रैटेजी है नहीं, बट इस टाइप का सिचुएशन को अगर हम लोग समझ पाए, अगर हम लोग टाइम रहते हुए मार्केट से निकल पाए तो ये भी हम लोग एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये बाय का कॉल कंडीशन सही था, मैंने ट्रेड करके पैसा बना सकता था। यहाँ पर सेल का कॉल में भी मैं ट्रेड किया बट यहाँ पर कंडीशन रिवर्स हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग को मैक्सिमम आप वेट कीजिएगा। ब्लू कैंडल का हाई का ऊपर जैसे इसको टच करेगा आप स्टॉप लॉस लेके निकल जाइए। अल्टीमेट देखिए मार्केट रिवर्स होकर बाइंग का कॉल दे दिया। अभी जो बाय का कॉल बना है इस कॉल में क्या करना है, देखिए इस बाय का कॉल में आपको देखना है पहले कंडीशन। स्टार मेरा पहले बन चुका है, नीचे का रिबन अभी भी रेड है और ब्रिक्स अभी भी आपका फेवर में गया नहीं है, तो आपको वेट करना है कब ब्रिक्स आपका फेवर में जाए और कब नीचे का रिबन ग्रीन हो। तो इस कैंडल पे आपको दिखाई दे रहा है जो ब्रिक्स का कलर दोबारा ग्रीन हुआ है और रिबन भी ग्रीन हो चुका है और ये इस कैंडल पे आप दोबारा एंट्री ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, देखिए मैं सबसे पहले एक चीज बताया जो बाय का कॉल में रेजिस्टेंस तक आप लेवल ले सकते हैं। अब देखिए रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है, चीजों को समझिएगा, ये जगह पे ये रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है, तो रेजिस्टेंस को तोड़ने का टाइम अगर आपको वही कंडीशन के साथ कॉल दोबारा बन रहा है, अब इस टाइम आपका जो लेवल हो जाएगा वो है आपका ब्रेकआउट लेवल। मतलब उस लेवल तक आप एक अंदाजा ले सकते हैं जो शायद मार्केट ऊपर लेके जाएगा, कहां पर ये ब्रेकआउट जो। तो इस हिसाब से हम लोग टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए मार्केट उतना स्मूथली एकदम सीधा ब्रेकआउट तक लेके चला जाएगा ऐसा नहीं, पहले वो रेजिस्टेंस को लेके गया, यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा साइडवेज गिराया, एक सेल का कॉल में आपको फंसाया भी, फाइनली देखिए वो बाय का कॉल आप अगर एंट्री लिए तो यहाँ पर आप अपना हिसाब से एक छोटा मोटा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो रूल बहुत ही सिंपल है, जो कंडीशन को फॉलो कीजिए उसका हिसाब से ट्रेड कीजिए और जितना बार कंडीशन मैच होगा आपको अटेम्प्ट लेना है, क्योंकि आपको पता नहीं है जो कौन सा कॉल चलने वाला है कौन सा कॉल नहीं चलने वाला है। स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए, अगर सही जगह पे स्टॉप लॉस को मेंटेन करेंगे मार्केट रिवर्स हो जाएगा तो आप छोटा स्टॉप लॉस लेके मार्केट से निकल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा। अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।